इंडियन एयरफोर्स की पायलट्स के लिए अभी एक आई ट्रैकिंग सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। AK-203 राइफल की प्रोडक्शन डिले होने का जो उम्मीद किया जा रहा था वो अब दूर हो चुका है। पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स में 4 नए वैक्स को शामिल कर लिया है, जबकि हमने एक भी नहीं किया है। और चाइना की तरफ से अभी पहली बार बॉर्डर में चल रहे टेंशन की वजह बताई गई है। साथ ही अगर चाइना भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता है तो उसको भगाने में US भारत की मदद करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए अभी एक नई आई ट्रैकिंग सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है, जो कि पायलट्स को बेहतर तरीके से प्लेन को कंट्रोल करने में मदद करने वाली है। अभी हमारे पास जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उन सभी में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले मौजूद होता है, जो कि प्लेन की हर एक पैरामीटर को दर्शाती रहती है। लेकिन जब भी पायलट को किसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है या फिर कुछ चेंज करना होता है तो उसको अपना हाथ थ्रॉटल से हटाना पड़ता है और वहां पर टच करना पड़ता है। पर अभी कुछ ऐसे यूनिक आई और फेस ट्रैकिंग सेंसर और टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा इंटरफेस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे पायलट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, अटेंशन और अलर्टनेस को बेहतर करने वाली है। कई बार ऐसा होता है जब पायलट की छोटे छोटे गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अभी इस एडवांस मशीन लर्निंग और AI सिस्टम की मदद से पायलट्स की हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया जाएगा और इसके लिए उनको कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैमरा बेस्ड सिस्टम होने वाली जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में पायलट की फेस को रीड करने वाली है और इसमें पायलट के दिमाग में क्या चल रहा है इसका भी पता लगा सकता है और उसी हिसाब से रिएक्ट भी कर सकता है। और ये सिस्टम अभी सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट में ही नहीं बल्कि आगे चल के कमर्शियल और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल करने की सोचा जा रहा है। अगला अपडेट AK-203 राइफल को लेके। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि AK-203 राइफल की प्रोडक्शन अभी रुक सकती है, क्योंकि रिसेंटली रशिया की तरफ से 2020 की फरवरी में जो प्राइस को कोट किया गया था वो पहले तय किए गए प्राइस से काफी ज्यादा था। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसकी कॉस्ट को कम रखना चाहती है, क्योंकि इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद वो इनको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, जिस वजह से इनका प्राइस टैग जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब ये जो प्राइस रशिया की तरफ से बढ़ा दिया गया था ये फाइनल ना होने की वजह से अमेठी में AK-203 की प्रोडक्शन जो है वो बंद पड़ा हुआ है और जब तक ये फाइनल नहीं होगी तब तक इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी प्राइस को कम करने के लिए कमेटी को तैयार किया गया है, जो कि रशिया के साथ AK-203 राइफल की प्राइस को लेकर नेगोशिएशन करने वाली है। अभी इस कमेटी को AK-203 की प्राइसिंग को और सभी इशू को सॉल्व करने के लिए 2 महीने का वक्त दिया गया है और अक्टूबर तक इसे फाइनल करने की उम्मीद की जा रही है। भारत में जो AK-203 यहाँ पर बनने वाले वो रशिया के AK-203 से थोड़ा सा अलग दिखने वाले हैं और यह आपको AK-203 और AK-200 का एक मिक्सचर जैसा दिखने वाला है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन वर्सन जो है वो AK-203 का एक बेसिक वर्सन होने वाला है, जिसमें एडजस्टेबल बट स्टॉक जैसे कुछ चीजें देखने को नहीं मिलने वाली है और इसी वजह से इसकी प्राइस भी रशियन AK-203 के मुकाबले थोड़ा कम होने का उम्मीद किया जा रहा है। और साथ ही इसमें 100% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल करने की भी अभी कोशिश की जाएगी। अगला अपडेट पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से है। रिसेंट मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में अभी एक और एयरक्स को शामिल कर चुका है। पिछले महीने ही पाकिस्तान की तरफ से एक और सावेरी एयरक्स को अपने एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था। अगर बालाकोट स्ट्राइक की बात करें तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से 4 नए एयरक्स को अपने फोर्स में शामिल किया जा चुका है और अभी अगर पाकिस्तान की टोटल एयरक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनके पास 7 सावेरी एयरक्स के साथ साथ 4 ZDK-3 एयरक्स भी मौजूद है, यानी कि अभी उनके पास कुल मिलाकर 11 एयरक्स मौजूद है, जबकि इंडियन एयरफोर्स के पास बस 5 एयरक्स मौजूद है। हमारी रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो एक टू फ्रंट सिनेरियो को नजर में रखते हुए हमें कम से कम 20 एयरक्स की जरूरत है, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स में सिर्फ 2 ही नेतर एयरक्राफ्ट और 3 फाल्कन एयरक्स मौजूद है। और फ्यूचर की बात करें तो आने वाले 10 सालों में इंडियन एयरफोर्स में 2 नए फाल्कन एयरक्स, 6 नए A330X और 5 एडिशनल नेतर एयरक्स को इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन ये जो नेतर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं ये एम्ब्रेयर के बदले C-295 के ऊपर माउंट होने वाले हैं, लेकिन इनकी जो रडार और ट्रैकिंग रेंज रहेगी वो सेम रहने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट मशीन गन की टेंडर को लेके है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल पैंडेमिक की वजह से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किए जाने वाले काफी सारे RFPs को अभी पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन रिसेंटली नाइट विजन डिवाइस के लिए इशू किए गए टेंडर की जो डेडलाइन थी उसको जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस टेंडर में अदानी ग्रुप, भारत फोग और मेगा इंजीनियरिंग जैसे और भी कई सारे इंडियन फर्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
लेकिन फॉरेन पार्टनर के साथ जरूरी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त चाहिए था। ये जो नाइट विजन सिस्टम है या फिर स्कोप्स की टेंडर को इशू किया गया था, इन सभी को इंडियन आर्मी की लाइट मशीन गन की टेंडर में इस्तेमाल करने के लिए खरीदा जा रहा है। इंडियन आर्मी के लिए करीब 40,000 के आसपास नए लाइट मशीन गन को खरीदने का प्लान किया गया था और इसके लिए 2018 में अप्रूवल दिया गया था और इसकी फाइनल डेडलाइन अभी जून 15 तक थी, जिसको अभी एक्सटेंड नहीं किया गया है। लगभग 20 सालों के बाद अभी इंडियन आर्मी को नए लाइट मशीन गन मिलने वाली है और इसमें जो स्कोप लगने वाले हैं वो सबके सब 4x स्टैंडर्ड की होने वाली है और ये लगभग 1000 मीटर की डिस्टेंस से ह्यूमन टारगेट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। अगला अपडेट इंडिया, चाइना और यूएस को लेके है। आप सबको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर में काफी टेंशन चल रहा है और अचानक से चाइना की तरफ से इंडो चाइना बॉर्डर में हैवी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दिया गया था। साथ ही वो अभी इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा तनाव लद्दाख में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज पहली बार इंडियन आर्मी के चीफ ने स्टेटमेंट दिया था कि बॉर्डर के हालात अभी काबू में है, पर सबके दिमाग में ये सवाल जरूर घूम रहा है कि चाइना अचानक से ऐसा क्यों कर रहा है। इसी पर अभी चाइना के एक डिप्लोमेट ट्वीट करते हुए बताया कि अभी इंडिया और चाइना की बॉर्डर में जो चल रहा है इसका कनेक्शन आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ है और जैसे कि अक्साई चीन वाला पार्ट अभी पूरा का पूरा लद्दाख में इंक्लूड किया गया है, इसको लेके अभी चाइना को दिक्कत हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ उनका ओपिनियन था जो कि सही हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। यहाँ पर चाइना भारत के साथ जंग भी छेड़ सकता है लेकिन ऐसा वो करने से डर रहा है क्योंकि यूएस की तरफ से अभी 7th फ्लीट को इंडियन ओशन रीजन में भेजने का प्लान किया गया है और अभी ये फिलीपींस सी में है जहाँ पर ये कोई अननोन एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है और फिलीपींस सी में अभी यूनाइटेड स्टेट की 2 बैटल ग्रुप मौजूद है और दूसरे तरफ गल्फ रीजन में भी यूएस की 5th फ्लीट मौजूद है। और आज तो यूएस की तरफ से खुलकर ये भी बता दिया गया है कि यूनाइटेड स्टेट चाइनीज एग्रेशन के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है और अगर चाइना इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो उनको पीछे धकेलने में यूएस भारत का मदद करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।